लोकेशन देखो यहाँ से, अभी ना हम रेगिस्तान में चल रहे हैं। देखो यार एरिया देखो ना, हर जगह मिट्टी मिट्टी है। अब सोजिला चढ़ रहे हैं तो लुक एट द व्यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है ना कुछ ऐसी लोकेशन से। वो लोकेशन देखो, तो अभी हम नंग भाई लोग सोजिला चढ़ रहे हैं तो लुक एट द व्यू। और ये ना नीचे बालताल है, आपको ये जगह दिख रही है ना, ये बालताल है और उस साइड से ना पहलगाम है। और ये अपने भाई लोग साथ है। तो भाई लुक एट द व्यू यार, रास्ता देखो कितना खतरनाक है। ये है भाई साहब रोड सोजिला का, और ये नया रोड बना है अभी। असली जो रोड है ना वो ऊपर है। बाकी मैं अभी पीछे बैठा हूँ, आज इनकी टर्न है। मेरी भाई तनवीर चला रहा है और मैं नवी प्याज की बाइक पे हूँ पीछे। लोकेशन देखो यार कितनी मस्त है। भाई लुक एट द स्काई, लुक एट द माउंटेन्स। आप ये देखो ना माउंटेन, मतलब साइड से भी माउंटेन है और बीच में ये रास्ता, वो भी भयानक रास्ता। रास्ता देखो कितना भयानक है, देख रहे हो? ये देखो भाई कैसा रास्ता है यार। हमने क्रॉस किया तो अभी कुछ ऐसी लोकेशन पे पहुंचे हैं। तो लोकेशन देखो भाई लोग कितने पहुंचे। तो यहाँ से ना अब एक तो यहाँ से हम नीना मर्ग पहुंचे। तो यहाँ पे एक पुलिस पोस्ट था जहाँ पे ना पहले नाम लिखाते हैं। तो अभी हमने नाम अपना लिखाया, वो भी चलते हैं ब्लैक की ओर। तो अभी पहले ना हम द्रास पहुंचेंगे और उसके बाद कारगिल पहुंचेंगे, बाद हम लेह पहुंचेंगे। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे ना हमें कुछ बाइकर्स भी मिले हैं जो कि हमसे आगे चल रहे हैं। यहाँ से ना लद्दाख वाली वाइब्स आ रही है, लग रहा है कि यहाँ से हम लद्दाख पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ना रास्ते में पेड़ है ना कुछ है। तो अभी ना इसके बाद हम द्रास, तो फाइनली अभी हम ना लद्दाख के मार्केट में हैं। तो ये यहाँ का लोकल मार्केट है, अभी आप देख सकते हो। तो अभी हालत ख़राब हो गई है और भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो अभी हम सर्च कर रहे हैं कि कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ पर नॉन वेज खाना मिलता हो। तो भी देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें, और भूख बहुत ज़्यादा लगी है। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, हालत ख़राब हो गई है भूख से। तो अब देखते हैं बंदों ने क्या ऑर्डर दिया। ये देख लो बंदे ना, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, अभी खा के मिलते हैं ना। तो भोजन हो गया अपना, अभी बंदे लोग खा रहे हैं। तो भैया टेस्टी डाल दिया। तो क्या नाम है आपके ढाबे का? नाम सूरज ढाबा है, ढाबे का नाम है पठानकोट ढाबा। पठानकोट ढाबा। तो ये ढाबा ना द्रास में पड़ता है, तो यहाँ पे आपको दाल ना सही मिलेगी यार। जब भी आओगे तो यहाँ पे विजिट कर लो, ठीक। तो ये है भाई लोग पठानकोट ढाबा। अभी ना दाल ये मस्त बनाते हैं, ये देखो इसने तीन बार खा ली, बंदा और मंगवा रहा है।
तो यहाँ पे पेट पूजा हो गई द्रास में, तो अभी हम निकले द्रास से लेफ्ट की तरफ, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। अभी रास्ता भी अच्छा है, तो अभी हम ना बगा के चल रहे हैं। थोड़ा सा लग रहा है कि यार यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, जिसकी वजह से ना बाइक थोड़ी सी खिंच नहीं रही है। फुल एक्सीलेटर पे भी बाइक, मतलब बाइक का पिकअप ना कम हो गया है। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो यार अभी यहाँ पे रोक दिया उन्होंने, तो अभी कुछ यहाँ से रिसेप्ट लेना है, उसके बाद ही छोड़ेंगे। अभी ले रहा है बंदा, देख लो भाई, देखो ये। तो यहाँ से देख लो यार, खाली रेत के पहाड़ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ की पॉपुलेशन भी कम है, तो दूर दूर। अभी ऐसे करके चलना पड़ता है, देख लो हालत खराब। अभी एक ही जगह पे बैठ बैठ के ना बोर हो गए यार। तो अभी हमने ना फ्लामायुरु क्रॉस किया, तो मैं उस जगह को अभी अच्छे से नहीं दिखा पाया, क्योंकि ना मून लैंड कहते हैं इस जगह को। तो जब हम वापस आएंगे ना, तो तब जाके मैं आपको ये फ्लामायुरु विलेज अच्छे से दिखाऊंगा। एक एक छोटा सा एक गांव है जो कि बहुत प्यारा है। तो बाकी अब यहाँ से ना मिट्टी के पहाड़ देखो, तो चलते चलते ना हालत ख़राब होगी। अभी यहाँ से पूरा लग रहा है कि अभी हम जैसे ना डेजर्ट में चल रहे हैं, तो अभी पूरा लग रहा है कि अभी हम जैसे ना सहारा डेजर्ट पे चल रहे हैं। दूर दूर तक ना कुछ मकान, अभी ये पूरा ना डेजर्ट जैसा लग रहा है। तो अभी यहाँ से ना ये स्टैचू दिख रहा है, तो शायद रोड इसके क्लोज भी जाता होगा। तो ये देखो ये स्टैचू है, तो अगर कोई जानता है स्टैचू के बारे में तो कमेंट जरूर। तो यहाँ से अभी हम एंटर हुए किसी विलेज में, तो अभी कुछ ऐसी लोकेशन पे हमें भूख लगी है बहुत ज्यादा, तो देखते हैं कब तक खाएंगे यार। तो ये आ गया मेरा डोसा, इन लोगों ने तो खत्म कर लिया। इस वाले को देखो, तो अभी कम से कम ना और 100 किलोमीटर हमें चलना है, तब जाके हम लैक हो जाएंगे। तो हालत खराब हो गई यार, चलते चलते जाके ना हम पहुंचे स्ट्रेट वाले रोड पे। तो इस रोड पे ना मैं सुबह से इंतजार कर रहा था, लेकिन एट लास्ट ये रोड हमें ना अंधेरे में क्रॉस करना पड़ रहा है। अभी रोड 64 किलोमीटर दूर है यहाँ से, कितना टाइम लगेगा यहाँ से। ये रोड ना स्ट्रेट रोड है भाई, वो देख लो यार, अगर सुपर बाइक हो ना तो बंदा यहाँ से ना बच्चे को चलेगा। तो ना कुछ किलोमीटर दूर ले है, हालत खराब हो गई है, चलते चलते अंधेरा भी हुआ है। तो यहाँ से दिख रहा है कि अभी हम लेंस की पहुंचने वाले हैं। तो लुक एट द, आप अभी देख सकते हो कि लेंस की कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अभी लाइटिंग देख लो यहाँ से ना, हमारे लेफ्ट साइड भी कुछ आदमी थे अंदर, वो राइट साइड भी। तो अभी देख लो कि ये रोड ना हमें डायरेक्ट लेफ्ट सिटी की तरफ ले जाएगा। तो कैंटा चलती है अब लेफ्ट। अभी रात को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी देखते हैं सुबह क्या होगा। तो अभी बस पहुँचने वाले हम, कुछ टाइम की देरी है और हम लेह में होंगे। बात हालत ख़राब हो गई अपनी, क्योंकि हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं बाइक चला रहा था, बस बहुत पीछे है। तो सब देखते हैं लेह सिटी में क्या प्लान बनेगा आगे का। तो ये देख लो, ये पहुँचे हम लेह में। तो अभी ये लेह चौक है, देख रहे हो सर, कम से कम कुछ 10 बजे हम पहुँचे हैं। तो अभी बस ड्राइवर का फ्रेंड आ रहा है कोई, अब देखेंगे क्या करेंगे। देख लो यार ये चीज़ देख लो, तो ये स्टैचू देख लो कैसा है। Few moments later. तो अब जाके ना हम पहुंचे यार किसी जगह पे, हालत खराब हो रखी है। ये देखो यार हालत क्या हो रखी है, ये देख लो बंदे ना गिर पड़े हैं। वो भी हम आए बासित भैया के फ्रेंड के पास, तो फिर आगे। तो
अभी टाइम हो गया आज के अपने व्लॉग को एंड करने का। तो रात से हमें नींद भी नहीं की है, तो फिलहाल आज अच्छे से नींद होगी। होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं फिर अपने दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।